बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, आप देख रहे हैं किचन विद फ्रिया। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, बहुत ही यूनिक, जो मैंने खुद सोची है। कुछ चीज़ें उसमें मैंने खुद से ऐड की है, कुछ मैंने तुर्किश है उसमें से मैंने टच दिया है, तुर्किश टच। तो आपने जो मेरी वीडियो है वो एंड तक देखनी है और एक एक स्टेप को फॉलो करना है, तो आपकी रेसिपी भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन मैं बना रही हूँ आज चिकन सीख कबाब, चिकन रेशमी सीख कबाब बना रही हूँ, जो बहुत ही ज़बरदस्त, डिलीशियस, सॉफ्ट से और जूसी बनते हैं। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। और अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरह बगैर टाइम वेस्ट किए। ये लिए हैं जी मैंने इंग्रेडिएंट्स चिकन रेशमी कबाब बनाने के लिए। सबसे पहले लेना है आपने एक बाउल, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ चिकन का कीमा। चिकन का कीमा मैं कहूँगी आप घर में ही अपने ग्राइंडर में बनाया करें। इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज, प्याज मैंने यहाँ ली है एक बड़े साइज़ की, और उसको मैंने अच्छे से चॉप किया है, और इसको उसका जो पानी है मैंने निकाल लिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ लिया है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून आपने इसमें लहसुन का पेस्ट अच्छे से डाल लेना है, और बर्तन आपने क्लीनली जो है वो आपने क्लीन कर लेने हैं। ये है जी अदरक का पेस्ट। अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ लिया है 1 टीस्पून। इसको भी आपने अच्छे से साफ़ कर लेना है ताकि आपकी जो रिस्क है उसमें बरकत हो। ये हैं ग्रीन चिलीज, इनको मैंने अच्छे से चॉप किया है, और ये भी दी है मैंने 1 टीस्पून। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जी सॉल्ट। सॉल्ट मैंने यहाँ लिया है 1 टीस्पून, आप हसबे जायका भी ले सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। ये है सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। ये है कुटी हुई और पिसी हुई, पिसी हुई मैंने 1/4 टीस्पून लिया है, और जो है कुटी हुई वो मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। ये है धनिया पाउडर 1 टीस्पून। ये है ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून। ये लिए है मैंने कोरिएंडर, मैंने क्रश कर लिया है, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। इसे कबाब में जायका बहुत मज़े का बनता है। ये गरम मसाला 1 टीस्पून। अब मैंने जो सारा मिक्सचर है उसको स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहे ग्लव्स चढ़ा के भी इसको मिक्स कर सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे आप उस तरह मिक्स कर लीजिएगा, लेकिन आपका जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह ही मिक्स होना चाहिए। ये है जी मिक्सचर, जो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। देखिए इवनली जो सारा मिक्सचर है वो मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी जी कि पोटैटो लिए हैं, ये मैंने बॉयल पोटैटो लिया है, उसको मैंने जो है बिल्कुल मसल के बिल्कुल पत्ता सा कर लिया है। अब मैं इसके अंदर जो पोटैटो ऐड कर रही हूँ, आप इसमें बाइंडिंग के लिए मैं इसको पार्टिकुलरली ऐड कर रही हूँ, आप इसके अंदर दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकती हैं, जैसे बेसन का, बेसन होता है, चने का आटा वगैरह, इस तरह की चीज़ें आप इसमें कॉर्न स्टार्च वगैरह ऐड कर सकते हैं। और आपने इसको जो इसका मिक्सचर है आपने इसको इतना ज़्यादा हार्ड नहीं करना, अगर आप इसका मिक्सचर जो है बहुत हार्ड करेंगे तो इस तरह आपको जो सीख कबाब है, रेशमी सीख कबाब, तो वो हार्ड हो जाएंगे। रेशमी सीख कबाब का मतलब होता है कि सॉफ्ट से कबाब हों, इस तरह आपके जो कबाब हैं बहुत मज़े के बनेंगे। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऐड कर रही हूँ कोरिएंडर। कोरिएंडर में ऊपर से स्प्रिंकल करूँगी, आपने ढेर सारा डालना है, जैसे इसका जायका है उससे कलर भी आँखों को देखने में बहुत अच्छा लगता है। वह चीज़ आप बनाते हैं तो आप कोशिश क्या करें कि उसकी जो ज़ाहरी अपेयरेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए, और सर्विंग का तरीका भी आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। ये सारा मिक्सचर जो है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। मैं इसके बना लूँ ये जो सीख कबाब, मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया हथेली पे, इतना ज़्यादा आपने ऑयल नहीं लेना, नहीं तो आपको जो सीख कबाब है वो स्टिक से ही उतर जाएंगे, गिर जाएंगे। इस तरह आपने इसको गोल सा करना है, गोल गोल सा, जब गोल मोल हो जाए तो आपने थोड़ा सा इसको लंबी शेप में ले जाना है। सीख कबाब की आपने जैसे शेप होता है आपने उसमें ले जाना है, और स्टिक जो है वो आपने मिड से क्रॉस करनी है, और इस तरह आराम से डालना है, जल्दबाजी नहीं करनी। और डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसको रोल करना है हाथों से, इस तरह आ जाएगा। फिर आपने फिंगर से शेप दे दें, जो आपकी डिज़ायर शेप है वो आपने देनी है इस जो है स्टेज पे।
देखिए इस तरह के जो सीख कबाब होते हैं, रेशमी कबाब में पार्टिकुलरली जो होती है शेप, मैं वही दे रही हूँ और मैं इसको रख दूँगी डिश में। इसी तरह जी मैं बना लूँगी दूसरा सीख कबाब। और आपने ट्राई करना है जो सीख कबाब का जो साइज़ है वो आपने सबका इक्वल रखना है, इस तरह जो आप सर्व करेंगे तो उसमें जो उसकी ब्यूटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। सेम उसी तरह मैंने सीख कबाब लिया है, उसको स्टिक में डाल के थोड़ा सा रोल किया है और फिर फिंगर की हेल्प से इसको मैं शेप दे रही हूँ डिज़ायर। कुछ लोग जो है उसको चिपटा बना देते हैं, उस तरह भी आप बना सकते हैं और आप इस तरह भी बना सकते हैं, लेके थोड़ा सा इसको प्रेस कर दें जी। हमारे सीख कबाब बन गए हैं, बारी आती है जी फ्राइंग की। आपने तवा लेना है, पैन लेना है, आपके पास कुछ भी आप ले सकते हैं। आपने पैन या तवे की ग्रीसिंग करनी है ब्रश से, थोड़ा थोड़ा सा आपने ऐड करना है और आपने बहुत ऐड नहीं करना। फ्लेम आपका यहाँ होना चाहिए लो। जब एक दफ़ा आपका जो तवा है गर्म हो जाएगा तो उसके बाद आपने फ्लेम कर देना है इसका लो, ताकि जो सीख कबाब है उसकी जो डिज़ायर्ड शेप है वो ख़राब ना हो और वो उसी शेप में ठहर जाए। ये देखिए जी मैं इसमें कबाब रख रही हूँ तवे पे। स्टिक के साथ ये होता है कि आप इजीली उसकी जो साइड्स हैं वो चेंज कर सकते हैं मज़े की। और हमारे सीख कबाब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, जैसे ये दिखने में अच्छे हैं उतने ये खाने में भी अच्छे होंगे। थोड़ा थोड़ा सा इधर कर रही हूँ ताकि जो हीट है वो जो एंड वाला लग रहा है सीख कबाब उसके ऊपर नहीं जा रही, तो मैं थोड़ा सा इधर कर रही हूँ। और आपने हमारी रेसिपी को फॉलो करना है, हर एक स्टेप को आपने स्किप नहीं करना। और आप कोशिश क्या करें जो मेरी वीडियो है एंड तक देखा करें, ताकि जो मैं कुछ पॉइंट्स होते हैं मैं कुछ स्टार्ट में बता देती हूँ, कुछ मिड में, कुछ एंड में। तो आप अपनी रेसिपी को अच्छा बनाने के लिए जो मेरी जो वीडियो है वो एंड तक देखा करें ज़रूर। इसके ऊपर कर रही हूँ लिड, 2 मिनट के लिए लिड दूँगी, फिर से साइड चेंज करके 2 मिनट के लिए लिड दूँगी। अच्छा इससे ये होता है लिड देने से अब मैं इसका जो है रिमूव कर दूँगी, क्योंकि हम ये 2 मिनट हो चुके हैं। इसका लिड देने का मकसद ये होता है कि जो आपकी स्टीम बनती है कबाब में, जो आपकी नीचे वाली साइड तो ऑलरेडी जो है वो ब्राउन भी हो रही है, वो पक भी रही होती है, जो ऊपर वाली साइड होती है लिड देने से ये होता है कि वो स्टीम के ज़रिए जो चिकन होता है वो पक जाता है। फिर आप उसको बेशक थोड़ी सी फ्लेम हाई करके उसको अच्छा सा गोल्डन सा कलर दे सकते हैं। जिसको डार्क पसंद है वो डार्क दे दे, लेकिन जिसको गोल्डन पसंद है वो गोल्डन दे दे। ये देखें जो मेरे सीख कबाब जो है वो बन गए थे, तो मैंने दोबारा उसके ऊपर ढक्कन दे दिया था। अब मैंने जो साइड्स हैं वो चेंज कर रही हूँ। आपने इसकी चारों साइड्स पकानी है, चारों साइड्स। ये नहीं कि आप 2 साइड्स पका लें और कहें हमारे रेशमी कबाब बन गए, इस तरह नहीं होना चाहिए। आपने इसकी जो चारों साइड्स हैं वही पकानी है। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें जो न्यू व्यूवर्स हैं, और मेरी वीडियो के एंड तक देखा करें। और प्लीज़ हमें आप सपोर्ट करें, हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। जो मिड में जो हीट ज़्यादा थी तो मैं मिड वाला निकाल के इसको मैं एंड में रख रही हूँ, जहाँ एंड वाले में हीट नहीं थी उसको मैं मिड में रख दिया है। इस तरह आप चेंज कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, साइंस नहीं है कि मैं ऐसे क्यों रख रही हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना इस बात पे। कबाबों की तो इस तरह सेटिंग चलती ही रहेगी, कभी इधर रखूँगी कभी उधर रखूँगी, डिप इसको डेढ़ से कवर करूँगी। देखिए जी आखिरकार हमारी जो मेहनत है वो रंग लाई है, कबाबों का भी ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। अब मैं इनको कर रही हूँ जी डिश आउट, कबाब जो बन गए हैं। देखिए जी इसकी जो चारों साइड हैं बहुत ही मज़े की बनी हुई हैं, जैसे ग्रिल पे पकाया हो आपने या फिर उस पर कॉयल पे किया हो। चलिए जी मैंने सीख कबाब डिश आउट कर लिए हैं, थोड़े से उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए धनिया, साथ लग दी है ग्रीन चिली और लेमन। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त प्यारे से कलर और ज़बरदस्त सा टेस्ट है इसका। आप भी प्लीज़ इसी रेसिपी को आपने फॉलो करना है, कोई स्टेप फॉलो आपने स्किप नहीं करना, तो इंशाल्लाह आप ये भी रेशमी कबाब इसी तरह बनेंगे, बहुत ही जूसी और ज़बरदस्त बने हुए हैं। और आपको मैं अभी इसमें से एक तोड़ के भी दिखाऊंगी। देखिए जी पहले आपने इसी कबाब को थोड़ा सा इसे हिला लेना है, हिलाने के बाद आपने इसको करना है जी ऐसे
तोड़ने के, तो आपका ज़बरदस्त जो रेशमी सीख कबाब है बहुत ही सॉफ्ट जूसी सा, देखिए आप देख रहे हैं कितना सॉफ्ट है सीख कबाब, माशाल्लाह।